आज हम एयर पोल्यूशन में इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट, के बारे में चर्चा करेंगे। एयर पोल्यूटेंट भी होते हैं जो वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। फर्स्ट हम चर्चा करेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। वे पोल्यूटेंट जो पहचाने जाने वाले यौगिकों से निकलते हैं और वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं, उसे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, या आइडेंटिफिशियल सोर्स से जो निकलते हैं उनको प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। इनको निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है कार्बन युक्त, कार्बन कंपाउंड, वे एयर पोल्यूटेंट जिसमें कार्बन पाया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले हम चर्चा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो सोर्स हैं, इनका निर्माण किन किन से होता है? इनमें एक तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनके अलावा कोल है, वुड है, केरोसिन है। इन मटेरियल्स को जलाने पर इनका निर्माण होता है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं के श्वसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तथा एक तो श्वसन हो गया, ऑटोमोबाइल से भी इनका निर्माण होता है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स। सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका निर्माण ईंधन के दहन से, यानी जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, उस ईंधन से भी कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। सबसे अधिक लगभग 70% जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होती है। इनके अलावा इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो स्टील उद्योग, तथा रिफाइनरीज से इनका उत्सर्जन होता है। इनके अलावा इलेक्ट्रिकल जो पावर प्लांट्स हैं, या ऊर्जा पावर प्लांट से भी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। एक जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो है कि जो एल्गी है, एल्गी की जो क्लोरोफिल, इनके अपघटन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इन स्रोत से कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस की जाती है।
अब सेकंड आता है सल्फर युक्त कंपाउंड, सेकंड है सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड निम्न प्रकार के SO2, H2S, H2SO4, कार्बोनिल सल्फाइड है, कार्बन सल्फाइड है, तो इस प्रकार के सल्फर युक्त कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे हार्मफुल है या अधिक मात्रा में जो वायु प्रदूषण के रूप में जो कार्य करता है वो है सल्फर डाई ऑक्साइड। अब इनका किस प्रकार से एनवायरनमेंट में उत्सर्जन होता है इनके बारे में हम देखते हैं। जो सल्फर युक्त प्रोडक्ट हैं इनका जो उत्सर्जन होता है उनके प्रमुख कारक हैं, एक तो धातु शोधक कारखाने जहाँ पर धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, धातु शोधक कारखाने। इनके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, कोयले के दहन से इनका निर्माण होता है। प्रारंभ में इनसे H2S गैस के रूप में बाहर निकलती है और ये जो H2S गैस है ये जल के साथ या नमी के साथ क्रिया करती है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस है ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इनके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जल के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। तो हम SO2 के बारे में देखें, सबसे अधिक इनका जो निर्माण हो रहा है वो है कोल के दहन से, कोयले के जलाने से, पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से तथा धातुओं के शुद्धिकरण से इनका निर्माण होता है। इनके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो कच्चे धातु होते हैं उनके शुद्धिकरण के समय जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है, कच्चे धातुओं के शुद्धिकरण के समय जब ऑक्सीकरण करते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये प्लांट के कुछ पार्ट हो सकते हैं या टुकड़े हो सकते हैं या एनिमल्स के कुछ पार्ट या इनके डेड जो पार्ट होते हैं, मर्त जो टुकड़े होते हैं इनसे ये गैस निकलती है। इनके अलावा ड्रिंक वाटर जो दूषित जो पानी होता है, गंदे पानी से इनका निर्माण होता है, गंदी नालियों से भी H2S गैस बाहर निकलती है। इनके अलावा जो मार्सी एरिया या दलदलीय जो स्थान होते हैं इनसे H2S गैस बाहर निकलती है। इनके अलावा ज्वालामुखी जहाँ पर उत्पन्न हो जाता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ पर भी H2S गैस प्रोड्यूस होती है। इनके अलावा इनका जो निर्माण हो वह है कोयले की जो खाने हैं उनसे भी इनका निर्माण होता है, या जहाँ पर सल्फर युक्त ईंधन काम में लिया जाता है उसे भी H2S गैस बाहर निकलती है। अब है तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन युक्त प्रोडक्ट, थर्ड है नाइट्रोजन, प्रोडक्ट नाइट्रोजन में जहाँ नाइट्रोजन उपस्थित है नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है,
नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये इतनी हार्मफुल नहीं है जितना कि नाइट्रिक एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इनका जो निर्माण होता है वो अधिक मात्रा में है ऑटोमोबाइल, इनके अलावा उस टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर गैसोलीन को जलाने पर, इनके अलावा जहाँ पर नाइट्रस अम्ल का निर्माण किया जाता है या वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं उनसे भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इनके अलावा जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से भी इनका निर्माण होता है। फोर्थ है फ्लोराइड कंपाउंड, फ्लोराइड कंपाउंड जहाँ पर फास्फेट युक्त फर्टिलाइजर, इनके अलावा एल्यूमिनियम का जहाँ पर शोधन होता है या फ्लोरिनयुक्त जो प्लास्टिक, फ्लोरोटेट प्लास्टिक का जहाँ पर निर्माण किया जाता है और जहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होती हैं, नेमेटोसाइट्स जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका जहाँ निर्माण करते हैं वहाँ पर भी फ्लोराइड युक्त प्रोडक्ट वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। फोर्थ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में प्रमुख जो प्रोडक्ट है बेंजीन, मेथेन, CH4, इनका जो निर्माण होता है वो होता है ऑटोमोबाइल्स जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कार्य करते हैं। फिफ्थ है मेटल धातु जिनमें प्रमुख हैं लेड है, मरकरी है, बेरिलियम है, निकल है, कैडमियम है, आर्सेनिक, टाइटेनियम एंड पेनेडियम। ये प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेज में हो सकते हैं, लिक्विड एंड गैसीय रूप में एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं जिनका निर्माण मुख्यतः स्मेल्टर्स, धातु शोधक कारखाने, इनके अलावा जहाँ पर पेंट का निर्माण किया जाता है, फंगीसाइड्स प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तथा कॉस्मेटिक सामग्री जहाँ बनाई जाती हैं उनसे इन प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है जो वायुमंडल के अंदर तीनों रूप में पाए जा सकते हैं। लास्ट है जो कणीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर जिनका व्यास लगभग 100 माइक्रोन या नैनोमीटर या माइक्रोन के लगभग होता है जो वायुमंडल में मुख्यतः पाए जाते हैं जिनमें मेटल पार्टिकल्स, हो सकता है, इनके अलावा रेजीन, टार, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर हो सकते हैं जिनमें बैक्टीरिया है,
फंजाई है, ये वायुमंडल के अंदर मिल सकते हैं जो वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंड नंबर आ जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से जिनका निर्माण होता है उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इनमें प्रमुख है पीएन, ओजोन आदि। जैसे इनका निर्माण किस प्रकार होता है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक, ये सोलर लाइट के आपस से क्रिया करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। इनके एग्जांपल है पेरोक्सिस्टाइल नाइट्रेट, ओजोन, बीएन आदि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो आज हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।